ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद व्यवस्था में सुधार की जो उम्मीद थी उसका परिणाम निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। इसकी वानगी पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आने वाली फरियादियों की भीड़ को देखकर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था कानपुर में इसलिए लागू की गई थी कि फरियादियों की शिकायतों को न केवल गंभीरता से सुना जाएगा बल्कि एडीसीपी, एसीपी या फिर डीसीपी स्तर पर उनका उचित हल भी निकाला जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय में पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जिस तरीके से फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है वह व्यवस्था पर सवाल के निशान खड़े कर रही है। यहाँ आए फरियादियों का आरोप है कि थाना स्तर पर उनकी सुनी नहीं जा रही है, मजबूर होकर पुलिस कमिश्नर के पास अपनी शिकायत लेकर आना पड़ रहा है। फरियादियों को उम्मीद है कि मामला जब आला अफसरों के संज्ञान में आएगा तो उनके खिलाफ उनके मामले का बेहतर हल भी निकल आएगा। इसी उम्मीद में हर दिन प्रतिदिन यहां पर आने वाले फरियादियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और साथ में भीड़ भी। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में तैनात कई अधिकारी भी हैरान हैं। इखला कहीं मत। कहां से आए हो? पाल्टोनी मकबरा। क्या थाने पे क्या सुनवाई लेके आए? थाने में सुनवाई मेरी नहीं हो रही है, दो बार यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुके, फिर अब दोबारा हम यहाँ पे आए। क्या कहते हैं, मुलाकात हुई कमिश्नर साहब से? अभी अभी अब दिया है, अभी नहीं। कब से थाने जा रहा है? करीब हमें एक हफ्ते ज़्यादा हो गया, उससे पहले भी मैं गया, तीन चार बार मैं थाने जा चुका हूँ। मामला झगड़ा, मतलब बच्चों बच्चों में झगड़ा मतलब हुआ नहीं था, फर्जी मुकदमा हम पे लगा दिया। तो क्या अरोल थाने में आपकी सुनवाई? सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। यहाँ कमिश्नर ऑफिस कब से आ रहे हैं? हम आ चुके एक दो बार, हमारी सुनवाई मतलब आज पहली बार यहाँ पे आए हैं। क्या सुनवाई नहीं हो रही थाने? हाँ, थाने स्तर सुनवाई नहीं, तभी तो यहाँ पे हम आए हैं। कहते हैं थाने के लिए? थाने के लिए मतलब फर्जी मुकदमा हम पे लगवा दिया है, लगा दिया है। अरे कई बार गए हमें, पर फर्जी मुकदमा लगा दिया, इसकी जाँच कर ली जाए सर। शासन की मंशा में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं कानपुर कमिश्नरेट अधिकारी। आपको बता दें कानपुर में कमिश्नरेट लागू किया गया था ताकि कानपुर कमिश्नरेट में अपराध रोका जा सके। आपको बता दें कानपुर शहर में लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा, थाने स्तर पर न सुनवाई होने के कारण कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर डेली 400 से 500 फरियादी लगातार कमिश्नरेट ऑफिस आ रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की थाना अध्यक्ष हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसके चलते कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर 400 से 500 लोगों का जमावड़ा डेली लगा रहता है। आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट में 16 आईपीएस तैनात किए गए थे ताकि अपराध को रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं कानपुर शहर में जो अपराध है लगातार बढ़ता चला जा रहा, चाहे वो लूट और चोरी की ऐसी घटनाएँ हों, वहीं चाहे महिला संबंधित अपराध हो, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कानपुर में 16 आईपीएस तो तैनात है लेकिन जो कानपुर शहर का अपराध है वो अनियंत्रित होता चला जा रहा है। कानपुर से आशीष साहू, एबीसी न्यूज कानपुर।